अथर्ववेद घातक प्रयोग को लौटाना 14 क्रतः प्रतिहरणम ऋषि शुक्र देवता वनस्पति क्रतः प्रतिहरणम दुष्ट क्रतय का परिणाम दुष्ट क्रतय यदि दूसरे के घातपात के लिए किया जावे तो वह अंत में कर्ता का ही घात करता है। यह इस सूक्त का तात्पर्य है। इसमें कृतः नाम का कुछ घातक प्रयोग कोई दुष्ट लोग करते हैं, ऐसा जो विषय कहा है वह बड़ा दुर्बोध है और अब तक उस विषय में हमें कोई पता नहीं लगा है, इसीलिए हम इस पर अधिक कुछ लिख नहीं सकते। यदि कोई पाठक इस मारण प्रयोग के विषय में कुछ निश्चित और सप्रयोग ज्ञान रखते हो तो प्रकाशित करने की कृपा करें। अथर्ववेद सत्य का विजय 15 रोगोपशमनम ऋषि विश्वामित्रः देवता मधुला वनस्पति ही सत्य से यश। इस सूक्त में ऋतावरी ऋतजाता औषधि का नाम है। यह कौन औषधि है इसका पता नहीं लगता, परंतु इस सूक्त में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई औषधि प्रयोग नहीं बताया है, परंतु जो निंदक शत्रु हैं उनको सत्य पालन और सत्य व्यवहार से ही ठीक करना और सत्य का महत्व सिद्ध करना ही बताया गया है। सत्य पालन करने वालों के लिए सब दिशाएं मधुरता युक्त हो जाती हैं, अर्थात उसके लिए कोई विरोधी नहीं रहता। सत्य पालन करने वाला मनुष्य शत्रु रहित हो जाता है, मानो सत्य पालन का व्रत ही सब दोषों को धोने वाली दोषधि अथवा औषधि है। इस सूक्त में कहीं संख्या का क्या भाव है वह समझ में नहीं आता। तृतीय अनुवाक समाप्त। आत्मबल 16 वृष रोग शमनम। मनुष्य में 10 इंद्रिय शक्तियां हैं। प्रत्येक इंद्रिय में बड़ी भारी वृष शक्ति अथवा अश्व शक्ति भी कहिए है। शरीरस्थ आत्मा इन सब शक्तियों से युक्त रहता है। आत्मा के शरीर में आने के पश्चात उसको चाहिए कि वह अपना बल बढ़ावे। यदि यह बल बढ़ाने का प्रयत्न ना करेगा तो निसंदेह इसका बल घटता जाएगा। बल ना घटे इसीलिए इसको उचित है कि वह अपना बल बढ़ाने का यत्न करे। जिस समय यह 11वां शुद्ध आत्म अर्थात देह से रहित विरहित आत्मा होता है, उस समय उसके पास ये प्राकृतिक शक्तियां नहीं होती हैं। उस समय वह केवल आत्मिक शक्ति से ही युक्त रहता है और वह अखंड शक्ति होती है, इसीलिए उस समय उसमें घट बढ़ कुछ नहीं हो सकता है। अथर्ववेद स्त्री के पाति व्रतय की रक्षा 17 ब्रह्मजाया ऋषि मयोभू देवता ब्रह्मजाया अग्नि जलनिधि समुद्र वायु तेजस्वी सूर्य सुख देने वाला चंद्रमा तथा अन्य सब देव ब्राह्मण के संबंध में पाप करने वाली पापी के पाप चरण के विषय में सत्य बात स्पष्ट कह देते हैं। सोम ने शांति के साथ ब्राह्मण के स्त्री को पुनः वापस दिया। वहां वरुण और मित्र उपस्थित थे और अग्नि भी पानी ग्रहण के समय होता बना था। जो ब्राह्मण की पत्नी कही जाती है वह पानी ग्रहण विधि से ही विवाहित हुई होती है। यह किसी के दूत द्वारा भगाई जाने योग्य नहीं होती। इसकी सुरक्षा से क्षत्रिय का राष्ट्र सुरक्षित होता है। जिस प्रकार आकाश की तारका और उल्का किसी ग्राम पर गिरती है और वह दुष्चिन्ह कहा जाता है, उसी प्रकार वह ब्राह्मणी भगाई जाने पर राष्ट्र का नाश करती है। ब्रह्मचारी विद्या समाप्त करने पर जनता की सेवा करता हुआ जगत में संचार करता है, इसीलिए उसको देवतांश कहते हैं। यह उक्त अत्याचार का पता लगाता है और जिसकी स्त्री होती है उसके पास पहुंचाता है। तप करने वाले ऋषि और सब देवता लोग इस विषय में बारंबार कहते आए हैं कि इस प्रकार भगाई गुरु पत्नी भयानक हानि करती है और दूसरे उच्च लोकों में भी बड़ी पीड़ा देती है। राष्ट्र में जिस समय अकाल में बालकों की मृत्यु होती है और प्राणियों का बहुत संहार होता है और आपस में वीर लोग एक दूसरे के सिर फोड़ने लगते हैं, तब समझना चाहिए कि यह परिणाम गुरु पत्नी के पूर्वोक्त कष्ट से ही हो रहा है। ब्राह्मण से भिन्न 10 पति स्त्री के होते हैं, परंतु जिस समय ब्राह्मण किसी स्त्री का पाणी ग्रहण करता है उस समय उस स्त्री का वही एक पति होता है, कदापि उस स्त्री का दूसरा पति नहीं हो सकता है।
ब्राह्मण ही एक पति है, क्षत्रिय और वैश्य नहीं। यह बात सूर्य ही पंचजनों को कहते हैं। देव मनुष्य और सत्यपालक राजा लोग गुरु पत्नी को सुरक्षित गुरु के प्रति पहुंचाते हैं। जहां निष्पत्ता से गुरु पत्नी को सुरक्षिता के साथ गुरु ग्रह के प्रति पहुंचाया जाता है, वहां भूमि का सत्व बढ़ता है और यश फैलता है। परंतु जिस राष्ट्र में गुरु पत्नी को प्रतिबंध होता है, उस राष्ट्र में मानो कोई युवासनी स्त्री बिस्तरे पर सुरक्षित नहीं सो सकती। जिस राष्ट्र में गुरु पत्नी का अपमान होता है, उस राष्ट्र में उत्तम पुत्र नहीं उत्पन्न हो सकते। सुवर्ण आभूषण धारण करके कोई वीर बालिकाओं के साथ खेल नहीं सकता। श्याम कर्ण घोड़े को कोई जोत नहीं सकता। कमलयुक्त तालाब प्रफुल्लित नहीं होते। गोवे दूध नहीं देती। जिस राष्ट्र में गुरु पत्नी की मान हानि होती है और उस कारण धर्म पत्नी ना होने पर गुरु अकेला ही त्रस्त होकर क्रोध की भावना मन में धारण करके सोता है, उस राष्ट्र में गौ भी कल्याण नहीं करती और बैल भी कार्य करने वाला नहीं होता है। स्त्री चारित्र्य की रक्षा करनी चाहिए, यह उपदेश देने के लिए यह सूक्त है। जिस राष्ट्र में स्त्री चारित्र्य की रक्षा की जाती है और सब पुरुष स्त्री के चारित्र्य की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उस राष्ट्र की उन्नति होती है। परंतु जिस राष्ट्र में स्त्री चारित्र्य की रक्षा नहीं होती, वह राष्ट्र पतित होता है। सारांश से इस सूक्त का यह उद्देश्य है। इस सूक्त में ब्राह्मण की स्त्री क्षत्रिय के द्वारा भगाई जाने से राष्ट्र पर कितने अनर्थ गुजरते हैं, इसका वर्णन है। वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, अर्थात सब वर्णों को विद्या दान देने वाला सबका अध्यापक अथवा गुरु ब्राह्मण है। इसीलिए ब्राह्मण की स्त्री सबके गुरु पत्नी होती है। जिस प्रकार ब्राह्मण सब पुरुषों को ज्ञानोपदेश देता हुआ सर्वत्र भ्रमण करता है, उसी प्रकार ब्राह्मणी भी सब स्त्रियों को धर्म का उपदेश करती हुई भ्रमण करती है। गुरु पत्नी का यह कर्तव्य ही है। यह कर्तव्य करने के लिए जब गुरु पत्नी बाहर भ्रमण करती है, तब उसके चारित्र्य का रक्षण सब लोग करें। कोई भी उसको प्रतिबंध ना करे और ना उसका किसी प्रकार अपमान करे। जो गुरु पत्नी का अपमान करने का साहस करेंगे, वे अन्य स्त्रियों का अपमान करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह भाव यहाँ है। वास्तव में सभी स्त्रियों के चारित्र्य की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इस पर राष्ट्र का गौरव अवलंबित है। जिस राष्ट्र में गुरु पत्नी का भी चारित्र्य अथवा पातिव्रत्य गुंडों के अत्याचार के कारण सुरक्षित नहीं रहता, वहाँ की अन्य स्त्रियों की दुर्दशा वर्णन ही क्या हो सकता है। इसीलिए सब स्त्रियों के चारित्र्य के उत्कर्ष की दृष्टि से ही इस सूक्त में कहा है कि कोई भी गुरु पत्नी का अपमान ना करे। यह सूक्त आकाशस्थ तारों की गति पर रचा हुआ अलंकार है। इसका स्पष्टीकरण अब देखिए।